गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई करी है और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो चैप्टर पढ़ लिए हैं मैंने उसको टिक कर रखा है। ये यहाँ से आप देखिए, चैप्टर नंबर 10, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके मैंने नोट्स भी आपको सेंड कर दिए। चैप्टर नंबर 20 लास्ट, आवर कंट्री इंडिया, इसके भी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, और चैप्टर नंबर 28 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दी है। ठीक है, अभी बचते हैं चैप्टर आपके पास 11, 12, 13, 21 और 29। ठीक है, तो अभी आप सभी लोग अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेज नंबर आप निकालिए 71। ठीक है, पेज नंबर 71, इसमें आप देखेंगे आपके सामने चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो जो द गुप्ता एम्पायर, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे, जैसा कि आप पढ़ते थे क्लासेस में। अभी आपने क्लासेस में पढ़ाई करी है तो थोड़ा वही मेथड रखेंगे और उसमें ज़्यादा कुछ आपको परेशानी ना आए, तो इसी वजह से मैं एक एक लाइन आपको पढ़ करके इसमें बताऊंगा। बाकी जो भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे थ्रू मैसेज बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, आप उसके थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 71 ओपन करिए। यहाँ से हम भी स्टार्ट करेंगे और वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे कि हम शॉर्ट वीडियोज़ में इस चीज़ को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। शॉर्ट वीडियोज़ में इन द सेंस कि थोड़े थोड़े वीडियोज़ आप देखते रहेंगे, डेली आपके पास वीडियो आएगा, आप उसको स्टडी करिए, उसको समझिए, और फिर कोई भी आपको परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप वो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, द गुप्ता एम्पायर। तो आपने अभी तक देखा है कि अलग अलग रूलर्स रहे हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ रही हैं, तो उन डायनेस्टीज़ को हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक आपकी इम्पोर्टेंट थी दी मौर्यन डायनेस्टी, जिसको हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आपने कुशांस के बारे में पढ़ा, पार्थियंस के बारे में पढ़ा, इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर एक बहुत इम्पोर्टेंट एम्पायर है, डायनेस्टी है, जिसका बारे में पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडियन हिस्ट्री में जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, द 4th century AD सॉ द राइज ऑफ। आप थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, तो द 4th century AD सॉ द राइज ऑफ अ न्यू डायनेस्टी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी इमर्ज्ड द सतवाहन एंड कुशान, टू लार्ज पॉलिटिकल एंटिटी। तो आपने देखा था कि जब मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद दो डायनेस्टीज आपने देखी, सतवाहन और कुशान राइज करे। ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में। तो एक जो डायनेस्टी थी, यानी कि जो कुशांस थे, एग्जिस्टेड इन डेक्कन एंड अदर इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, दे बोथ हैड ट्रेडिंग रिलेशन विद द रोमन एम्पायर। तो आपने ये चीज़ भी पढ़ी है क्लास में कि जो भी डायनेस्टीज रही हैं उनके फॉरेन में क्या रहे हैं, ट्रेडिंग रिलेशंस रहे हैं। ठीक है, रोमन्स के साथ में ट्रेडिंग रिलेशंस रहे हैं, ग्रीक्स के साथ में ट्रेडिंग रिलेशंस रहे हैं, उनकी सील्स हमारे यहाँ पाई जाती थी, हमारी सील्स उनके यहाँ पाई जाती थी, तो ये ट्रेड रिलेशंस आपने देखे हैं। ठीक है, बोथ द किंगडम आर वर्क क्वाइट रिच इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के मामले में दोनों ही किंगडम काफ़ी ज़्यादा रिच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समृद्ध रहे हैं, है ना। आर्ट और कल्चर में आप देखेंगे नए नए इनोवेशंस होते रहे हैं। बोथ किंगडम्स डिक्लाइंड अराउंड द मिडिल ऑफ द 3rd century AD। तो दोनों ही किंगडम्स डिक्लाइन कर गए 3rd century AD के आसपास, मतलब कि 300
या 250 के आसपास, एडी के आसपास ये डिक्लाइन कर गए, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा डायनेस्टी आती है, बड़ा किंगडम राइज करता है, जिसका नाम क्या है, गुप्ता डायनेस्टी। क्या नाम है इसका, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, विच सेंटर्ड ऑन मगध, ठीक है। तो मगध, मगध का जो किंगडम था, जो मौर्यन डायनेस्टी थी, आपको पता है बहुत बड़े एरिया में थी, काफ़ी बड़ा एरिया उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, और सबसे ज़्यादा वो कब रही थी, अशोक के टाइम पे। तो इसी प्रकार से गुप्ता का रूल भी था, काफ़ी बड़ा था, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जितना कि मौर्यन डायनेस्टी का था, ठीक है। अब आगे देखेंगे, सो मगध अगेन केम इन टू प्रोविन प्रोमिनेंस अंडर द गुप्ताज हु रूल्ड नियरली 200 ईयर्स, ठीक है। तो इन्होंने लगभग 200 साल के आसपास इन्होंने रूल करा। देखिए पीरियड क्या है, 320 से लेकर के 540 AD तक, ठीक है, 320 से लेकर के 540 AD इज ऑफन रेफर टू एज द क्लासिकल एज, बहुत ही क्लासिकल एज, यानी गोल्डन पीरियड बोलते हैं इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, गोल्डन पीरियड था, क्योंकि इस टाइम क्या है, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी, रिचनेस बहुत ज़्यादा थी कल्चर में, चाहे वो आप बात कर लीजिए आर्ट में, चाहे वो आप पैसे के मामले में कह सकते हैं, तो हर तरीके से क्या है, लोग समृद्ध थे यहाँ पर। दिस इज़ द पीरियड व्हेन गुप्ता रूल्ड इन नॉर्थ इंडिया में इन्होंने रूल करा। द एज मेड रैपिड डेवलपमेंट इन लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफी एंड साइंस। तो लिटरेचर के फील्ड में इनोवेशंस हुए हैं, आर्ट के फील्ड में इनोवेशंस हुए हैं, आर्किटेक्चर के फील्ड में इनोवेशंस हुए हैं, फिलोसफी साइंस सभी फील्ड्स में इनोवेशंस हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टाउन्स डेवलप्ड एंड बिकेम मोर प्रॉस्परस, टाउन्स बनाए गए और बहुत प्रॉस्पेरिटी आई। अब देखिए इनके सोर्सेज के बारे में देखते हैं, अबाउट द गुप्ता पीरियड वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो भी पुरानी डायनेस्टीज हैं जिनके बारे में हम जानकारी कहाँ से लेकर के आते थे, या तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है या कोई लिटरेचर सोर्सेज। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या चीज़ आ जाती हैं, जैसे कोई टेम्पल्स हैं या कोई इंस्क्रिप्शंस है, कोई भी चीज़ जो एनग्रेव्ड की हुई है, दीवारों पर लिखा हुआ, पिलर पर लिखा हुआ, कोई भी बात ऐसी लिखी हुई जिससे हमें उस पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए आगे देखते हैं, वी गेट प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इलस्ट्रियस डायनेस्टी थ्रू कॉइन्स। तो कॉइन्स से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द क्लासेस। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पीरियड का, जिसको बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जो कि समुद्रगुप्त के पीरियड में हुआ, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिमेन्स ऑफ द टेम्पल, तो मंदिरों के अवशेष से आपको पता लगता है, या जो कोई मंदिर है उस समय के उससे पता लगता है। एंड पेंटिंग्स ऑफ अजंता, अजंता की जो पेंटिंग्स हैं, अजंता एंड अलोरा केव्स, ठीक है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता है उसके बारे में। लिटरेरी सोर्सेस सच एज द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स लाइक फाइयान फाइयान एंड इत्सिंग, ठीक है, फाइयान एंड इत्सिंग, एंड द राइटर सच एज कालिदास गिव अस ए गुड आइडिया अबाउट द सोसाइटी। तो फॉरेन ट्रेवलर्स जो कि इस पीरियड में आए, जिनका नाम क्या है, फाइयान है, इत्सिंग है, तो इन्होंने भी अपने अपने अकाउंट्स में उन्होंने भी लिखा हुआ है इस पीरियड के बारे में, बताया है। और कालिदास इनके गुप्ता पीरियड में थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी अपनी रचनाओं में, अपनी 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 किताबों में जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड कराई हैं, तो उससे भी आपको पता लगता है, ठीक है। द धर्मशास्त्र टेल्स अस अबाउट द लॉज एंड रूल्स दैट हैड टू बी फॉलोड। धर्मशास्त्र क्या है, एक लिटरेचर है, एक किताब है,
इससे भी आपको वहाँ के कानून और जो भी रूल्स चलते थे उसके बारे में आपको पता लगता है। एन इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन ए पिलर एट अलाहाबाद गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान समुद्रगुप्त की जो भी उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करे, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, जो भी वो उन्होंने वॉर फील्ड में जीता, उसके बारे में जानकारी जो भी है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में मिल जाती है। ठीक है, जो कि कंपोज किया गया है कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में। ठीक है, बाय समुद्रगुप्त कोर्ट पोइट हरिसेन। तो इनके कोर्ट पोइट का क्या नाम है, हरिसेन। तो हरिसेन इनके कोर्ट पोइट हैं, किसके, समुद्रगुप्त के। इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखी है, संस्कृत में। किसके बारे में लिखी है, समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखी है, यानी लड़ाइयों के बारे में, जो भी इन्होंने विजय गाथा है उसके बारे में एक अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखी गई है। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला गया है कि पोइट ने प्रशंसा की है किंग की, किंग एज ए वॉरियर। ठीक है, एक लड़ाकू, ठीक है, एक लड़ाका, अच्छे योद्धा, एज ए किंग एंड एज अ ग्रेट पोइट, और एक बहुत ही अच्छे राजा हैं, एक बहुत ही अच्छे क्या है, कवि हैं। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स। तो मतलब उनकी इतनी प्रशंसा की गई है कि उनको भगवान के बराबरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इसके बाद अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो फिलहाल अभी आज के लिए आप इतना ही पढ़िए, इसमें आप देख लीजिएगा, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पॉलिटिकल हिस्ट्री से, जो भी किंग्स आए हैं इस डायनेस्टी में, जो भी किंग्स आए हैं इस डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल।